प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं बिहार अमीन 1767 पोस्ट का जो एग्ज़ाम्स लिया गया था, और ये वैकेंसी जो है 2019 में निकाली गई थी। इसका जो है अलॉट किया गया था, डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए गए थे सभी को, जो भी 1767 कैंडिडेट थे उन सभी का। उसमें से जो है 1764 लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया था, और 3 लोग अभी भी बाकी हैं जिनको जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट अभी नहीं किया गया है। तो ये एग्ज़ाम जो है BCC बोर्ड की तरफ से लिया गया था। तो यहाँ पे सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके तरफ से जो है अपडेट दिया गया है जिला राजस्व प्रशाखा के तरफ से। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो है अपडेट दिया गया है। यहाँ पे टोटल जो है 2 पार्ट में जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपका 10 से 1 और 2 से 5। यहाँ पे आपका जो है 18 मई को जो है बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उनका रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है, टोटल जो है 59 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया जाए तो मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका जो है एम्प्लॉय अगर आप कहीं पे काम कर रहे थे तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको जो है अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत यानी बना हुआ आपका जो है जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल, फिर आप अगर SC ST हैं तो मतलब BC EBC हैं तो आपका जो है NCL अगर आपने बनवाया है तो NCL आपका लगेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो भी बनवा लीजिए क्योंकि वही आपका लगेगा। OBC को और SC ST को जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। BCC यहाँ पे फिर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग लिखा गया है, बट ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है BCC बोर्ड, ठीक है। तो BCC बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए थे उसका जो एडमिट कार्ड है उसका ओरिजिनल कॉपी, बट कई सारे लोगों का कहना था कि ओरिजिनल कॉपी जो है BCC बोर्ड में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो वो जो है डॉक्यूमेंट ले लिया था। तो अगर वहाँ पे ले लिया गया तो आपके पास फोटोकॉपी अगर है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद सत्यापन जो भी आप देंगे जो कि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, उसका 2 प्रति यानी 2 फ़ोटो चाहिए, यानी 2 फ़ोटोकॉपी चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल, नवीनतम पासपोर्ट साइज 4 फ़ोटो, आपको जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी सही हैं, अगर गलत पाए जाते हैं या न्यायालय में किसी तरीके का आपका केस दर्ज है तो या दर्ज नहीं है या आपके पास मुकदमा नहीं चल रहा है कोर्ट से में, तो आपका उससे रिलेटेड एक शपथ पत्र जो है आपको बनवाने हैं जो कि विभागीय वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध करा दिया गया है। मैं बताऊंगा, फॉर्मेट दिखाऊंगा कि किस तरीके का, और इसका जो PDF है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। उसके बाद सिविल सर्जन से आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, तिलक या दहेज आप ना लेंगे ना देंगे इससे रिलेटेड शपथ पत्र, उसके बाद अगर आप दिव्यांग है DQ कैटेगरी है तो उसका एक डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको 1 से 14 तक लिखा गया है सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको 2 सेट फोटोकॉपी होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पे साफ तौर पे बोल दिया गया है जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी जो है सेल्फ अटेस्टेड और फोटोकॉपी होने चाहिए और ओरिजिनल भी आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है नोट पॉइंट, अगर अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों के साथ जाँच है तो उपयुक्त कार्यक्रम में के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी विरुद्ध विधि सम्मत निर्णय लिए जाएंगे, मतलब जो भी डिसीजंस होगा वो आपका लिया जाएगा, मतलब फिर बाद में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा इससे रिलेटेड कोई अभी अपडेट नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखो, आपका अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र पत्रादि की जाँच हेतु प्रपत्र, ये जो है आपको प्रिंट करवा लेने हैं, ये यहाँ पे आपका नाम रोल नंबर ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है भरने हैं। ओके, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके हैं उस पर हाँ, जो नहीं है उस पर नो आपको होगा, इसको जो है प्रिंट करवा कर लेते जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि वहाँ पे भी आपको दिया जाए, बट मुझे नहीं लगता है कि दिया जाएगा, आप प्रिंट करवा कर लेते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है। उसके बाद सत्यापन प्रपत्र, यहाँ पे आपका फ़ोटो और फ़ोटो चिपका कर उस पर जो है हस्ताक्षर आपको करना है, और यहाँ पे जो है आपका चीज़ें गांव वगैरह जो है नाम वगैरह लिखना है। कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे पूछे गए हैं, उन बेसिक डिटेल्स को जो है आपको यहाँ पे डाल देना है। जो आपको समझ में आएगा अभी ना उसी को आप यहाँ पे जो है भरिएगा, जो समझ में नहीं आएगा उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर डेट वगैरह, ओके। और उसके बाद यहाँ पे स्व घोषणा प्रपत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन में जो है आपको नाम वगैरह डालना है, सेल्फ डिक्लेरेशन जो है जमा कर देना है। उसके बाद द कोर्ट ऑफ सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ पे आपका नाम डिटेल्स वगैरह जो है अपना डाल देना है, और वहाँ से जो है आपको डिपोटेंट का सिग्नेचर वगैरह, सिग्नेचर ऑफ मजिस्ट्रेट आइडेंटिफाइड बाय द एडवोकेट किसके द्वारा किया गया, इन सभी चीज़ों का जो है आपको फिल कर देना है, ओके। तो ये फॉर्मेट आपका दिया गया है, सारे फॉर्मेट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे मैं शेयर कर दूंगा। ये वैसा ये जो सीतामढ़ी वाला PDF है इसमें आपको सारी मिल जाएगी, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपको जाना कहाँ पे है, संग्रहालय सीतामढ़ी स्थित परिचर्चा भवन डुमरा में जो है आपको जाकर इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का और भी अपडेट आपको जो है मिल सके। थैंक यू सो मच।